हेलो दोस्तों, इतनी गर्मी में अगर तेल की चीज़ें खा करके एकदम आप बोर हो गए हों और कुछ एकदम बिना तेल के हेल्दी बनाने का सोच रहे हैं तो बस इस नाश्ते को बिल्कुल मिस ना कीजिए। और ये नाश्ता बिल्कुल इतना झटपट से बन करके तैयार होता है बिना किसी मेहनत के, और खाने में इतना सॉफ्ट और बनाने में इतना आसान। तो चलिए फिर बिना किसी देर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 1/4 कप पोहा या चूड़ा, जो भी आप बोलते हो, इसे लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो कर के साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 कप सूजी और 1/2 कप दही। दही नॉर्मल, बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। और उसी मेजरमेंट से 1/2 कप हम लोग पानी डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए अच्छे से हम लोग मैश कर देंगे। देखिए यहाँ पर पानी, सूजी और इन सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ, उस मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए अगर आप बनाएंगे तो आपका नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, अब इसे 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पर छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद इसे हम लोग एक ग्राइंडर जार में जो है ट्रांसफ़र करेंगे और 1/2 कप के करीब हम लोग इसमें पानी डालेंगे और इसे एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। इसे एक बाउल में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है, हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाला है, मतलब पूरा जो है नाश्ते को बनाने और पीसने में हमें 1/2 कप पानी लगा है। लेकिन पानी को एक साथ ना डालें, जैसे आपका मेजरमेंट हो, जैसी ज़रूरत हो उसी हिसाब से डालें। यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम लोग खाने वाला सोडा लेंगे, बेकिंग पाउडर या इनो का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और जो है यहाँ पर खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करना है या मीठा सोडा, जो भी आप कहें, डाल करके इसे बहुत अच्छे से हम लोग जो है मिला लेंगे। अब एक नॉन स्टिक का तवा लेंगे और उसके ऊपर हल्का सा ग्रीस करेंगे, और ग्रीस करने के बाद इसे आप जो है 1 चम्मच की सहायता से इस तवे के ऊपर डालेंगे। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, एकदम थोड़ा सा हल्का सा फैला करके और इसे बिना टच किए छोड़ देना है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे नाश्ते के अंदर कितनी सुंदर जाली बन रही है। जब हमारी जाली पूरी तरह से बन जाए तब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक दे, ताकि जो नाश्ता है वो ऊपर से जो है अच्छे से पक जाए, क्योंकि इस नाश्ते को पलट करके नहीं सेकना है। एक ही तरफ सेकने से ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। और ये देखिए देखने में कितना सुंदर बना है, जालियाँ कितनी अच्छी बनी हुई हैं। तो ये नाश्ता जो है बिल्कुल झटपट से बन करके तैयार। और आपने देखा इस नाश्ते को बनाने में कहीं भी तेल का इस्तेमाल नहीं, बस हल्का सा तवा पर ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल हो। और ये देखिए नाश्ता कितना जो है डिलीशियस मुलायम बन करके तैयार हुआ। देखिए मैं आप इसे तोड़ करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में ये नाश्ता बच्चों को या सब लोगों को कैसा लगा। और तब बिना देर किए झटपट से इस नाश्ते को बनाइए, खाइए और अपना ध्यान रखिए। हम लोग फिर इसी तरह से नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा जो नाश्ता है, और इस नाश्ते को किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। धन्यवाद।